कोद वाले चौराहे पर मंगलवार की शाम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NUCI के द्वारा लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में किसानों को रोद कर दिन दहाड़े बर्बर हत्या करने को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया गया। जय जवान जय किसान के नारों के साथ NUCI जिला उपाध्यक्ष मनीष मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा दिवंगत किसानों को कैंडल जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। NUCI जिला उपाध्यक्ष श्री मेवाड़ा ने हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। कोदवाली चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीहोर ब्लॉक NUCI अध्यक्ष यमन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एक गहरी साजिश के तहत काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। अब तक अनेक किसानों की मौत हो चुकी है। NUCI जिला महासचिव प्रमोद वर्मा ने कहा कि तत्काल क्रिया और राज्य के गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त करें। उनके विरुद्ध हिंसा उकसाने और सांप्रदायिक भावना फैलाने का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, तो दूसरी ओर उकसाने के दोषी हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राजीव गुजराती, विधानसभा अध्यक्ष मुस्तफा अंजुम, तुलसी राठौर, राहुल गोस्वामी, सर्वेश व्यास, तपीश त्यागी, अभिषेक लोधी, ओसाफ पठान, राहुल भावसार, सर्वोदय त्यागी, काफिल सिद्दीकी, अली असगर, आनंद वर्मा, अमन मीणा, राजा ठाकुर, अंशु अविलास मेवाड़ा, अमित धनवरे, प्रथम तुतलानी, कहना मेवाड़ा, अंकित शर्मा, नितेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में NUCI कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।